हर हर महादेव। બ્લેક આપણા કલર આવા કલર છે લોકોના। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं आ गया हूँ उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। तो अब मैं रेलवे स्टेशन से जा रहा हूँ महाकाल मंदिर, और यही है जाने का रास्ता, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से जाने का रास्ता ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता मेरे दाएं साइड में, जो कि एक रास्ता ये है। और अगर आप रेलवे स्टेशन से पैदल यात्रा कर रहे हैं तो ये पैदल यात्रियों के लिए बना हुआ है, तो कृपया आप इसमें ही चलें, मेन रोड पे ना जाएं। बस वो लगी थी भूख, तो हमने खाया पोहा और जलेबी। और अब हम निकलेंगे छिप्रा नदी स्नान करने के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे महाकाल का दर्शन करने। अगर आप महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं तो पहले यहाँ स्नान करें, फिर उसके बाद महाकाल के दर्शन करने जाएं। और ये रहा मंदिर जाने का रास्ता नहाने के बाद। हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो आज हम आ गए हैं उज्जैन, उज्जैन की पावन धरती पे। और हम लोगों ने जो आप पीछे देख रहे हैं, ये है छिप्रा नदी का रामघाट। तो हम लोगों ने यहाँ स्नान कर लिया है, और अब यहाँ स्नान करने के बाद हम लोग निकलेंगे महाकाल के दर्शन करने। तो आप वीडियो में बने रहें, और चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे। और आप कृपया ऐसी जगह से प्रसाद लें जहाँ सबका भला हो सके। तो हमने प्रसाद ले लिया है, हम निकलते हैं आगे की तरफ। जय
ले आओ। कृपया मंदिर में दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। कृपया अपनी भेंट दान पत्र में ही डालें। या आप देख सकते हैं, अगर आपको दान करना है तो आप दान कर सकते हैं। पेटीएम बार को स्कैन करें और दान करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हम लोग को। तो यहाँ पे महाकालेश्वर के दर्शन हो गए। बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हम लोग को। आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं हम काल भैरव मंदिर। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम काल भैरव मंदिर के लिए। टोटल 5 मंदिर हैं, तो आपको हम बताएंगे कि मंदिर कहाँ कहाँ है, कितना किराया लगता है, कैसे जाना है। और ये है मंगलनाथ मंदिर।